किसान साथियों नमस्कार। जिस खेत में दूब घास होती है वे खेत चाहे कितना भी उपजाऊ क्यों न हो वांछित उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस घास को काटने के 15वें दिन वैसे के वैसे दूब का जंगल दोबारा तैयार हो जाता है। इस दूब की जड़ें जमीन में 1 से 2 फीट की गहराई में रहने के कारण इसे समूल नष्ट करना असंभव सा जान पड़ता है। किसान दूब घास के खरपतवार को हटाने में हर वर्ष बहुत धन खर्च करते हैं जिससे खेती की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अनेक किसान भाई दूब को हटाने के लिए महंगे खरपतवार नाशक दवाओं का उपयोग करते हैं पर दवा के उपयोग का समुचित ध्यान न होने के कारण दूब नष्ट नहीं होती है, वे पैसे की बर्बादी होती है। दूब घास की समस्या मेरे खेत में भी थी। मई जून में 2 बार तेल निकालने पर भी दूब खत्म नहीं हुई। मैंने इस वर्ष मूंग की खेती की है और एक दवा के सही ढंग से उपयोग करने से मेरे खेत से दूब समूल नष्ट हो गई जिसे मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा। मेरे इस खेत में दूब इतनी ज़्यादा थी कि 2 बार इसे हटाने पर भी फसल पकते समय दूब की लंबाई 1 से 1.5 फीट तक हो जाती थी। इस वर्ष मैंने इसे खरपतवार नाशक दवा के द्वारा नष्ट करने का निर्णय किया। मेरे खेत में यहाँ पर लगभग 3 बीघा भूमि पर दूब बहुत ज़्यादा थी। इसे नष्ट करने के लिए मैंने हकामा हर्बिसाइड नामक खरपतवार नाशक दवा को काम में लिया। इसके लिए मैंने 300 लीटर पानी में ये 500 मिलीलीटर दवा मिलाकर 1 अगस्त को छिड़काव करवाया था, लेकिन 4 अगस्त तक दूब घास पर इस दवा का कोई असर नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि दवा छिड़काव का पैसा बर्बाद ही हुआ है, लेकिन 5 अगस्त को इस दवा का असर दिखाई दिया। वे दूब की पत्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। 13 अगस्त तक जड़ों को छोड़कर दूब पूरी तरह से नष्ट हो गई। किसान भाई यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। वे दवा से दूब का ऊपरी भाग नष्ट होते ही निराई करके दूब को हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। खरपतवार नाशक बहुत धीमी गति से अपना प्रभाव दिखाते हैं। दूब की पत्तियाँ जलने पर धीरे धीरे दवा का प्रभाव इसकी जड़ों पर होता है, अतः दवा स्प्रे करने के बाद दूब घास को हटाना नहीं चाहिए। 16 अगस्त को जब मैंने दूब को उखाड़ा तो दूब आसानी से उखड़ रही थी, अर्थात दवा का प्रभाव अब दवा छिड़कने के 16वें दिन जड़ पर हुआ है। जड़ जगह जगह से काली पड़कर नष्ट हो चुकी है। स्प्रे करते समय मुझे इस दवा पर इतना भरोसा नहीं था, पर स्प्रे के 4थे दिन जब मेरे लोन की दूब जलने लगी तब मुझे विश्वास हुआ। हुआ ये कि टैंक में दवा डालने के लिए ट्रैक्टर को यहाँ खड़ा किया गया था, तो स्प्रे पाइप थोड़ा सा लीक होने के कारण यहाँ पर भी दवा का स्प्रे हो गया था, जिससे मेरे बहुत मेहनत से लगाए गए लोन की दूब नष्ट हो गई। अगर आप इस दवा का उपयोग करते हैं तो दवा छिड़कने से 20 दिन तक जली हुई दूब को न हटाएंगे तो ये घास हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो राजस्थान की कृषि वे बागवानी से जुड़े विषयों पर प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।